बाबा साहब के योगदान को देश और जाति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। दलितों के लिए बाबा साहब ने बहुत काम किए, लेकिन वो सिर्फ दलितों के नहीं, महिला अधिकार, मजदूरों के लिए कानून और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब अत्याचार के खिलाफ विरोध के एक प्रतीक थे। वो सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे। भारत के संविधान और उससे मिले वन मैन वन वोट के अधिकार ने हमेशा के लिए समाज को बदल दिया। आज देश की इतनी तरक्की के बाद हम सबका सपना, बाबा साहेब का सपना अभी भी अधूरा है। हमारे देश में अभी सामाजिक समानता नहीं आई। जब शिक्षा नहीं को हुनर के बावजूद उसके नाम के कारण नौकरी नहीं मिलती है, तो यह घटना बताती है कि अभी देश में आर्थिक अवसर सबको बराबरी से नहीं मिलता है। जब आईआईटी मद्रास में कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो यह घटना बताती है कि कुछ लोगों के अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं। बाबा साहब का जातिवाद खत्म करने का सपना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का सपना आज भी अधूरा है। आज भी हमारे देश में जाति को महत्व दिया जाता है। संविधान के लागू हुए 65 साल हो गए, लेकिन